फटा 30 सेकंड में खबरें डाउनलोड कीजिए ताका है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुना दिया है कि पाकिस्तान की राजनीति में भूचाल सा आ गया है। यह भूचाल कैसा है, क्या हुआ है, यह सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताने समझाने जा रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय ने पाकिस्तान के मदीना मस्जिद को डिमोलिश करने यानी कि गिरा देने के आदेश को तामील करने के लिए कह दिया है। उस पर जो आदेश को रोक लगाने की मांग कर रही थी की जा रही थी उसको खारिज करते हुए उसे गिराने का आदेश जो है वो जारी रखा है। क्या है पूरी खबर, जरा अब आपको विस्तार से समझा देते हैं हम। दरअसल मदीना मस्जिद प्रशासन की तरफ से एक याचिका पाकिस्तान में दायर की गई और ये गुहार लगाई गई सुप्रीम कोर्ट से कि इस आदेश को रोका जाए, लेकिन शीर्ष अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया और अदालत ने याचिका खारिज करते हुए ये तक कह दिया कि अदालत अपना फैसला नहीं बदल सकती। अब मामला क्या है पूरा समझाते हैं हम आपको। दरअसल ये जो मस्जिद है वो तारिक रोड के पास एनिमेटी पार्क की जमीन पर अवैध रूप से बनाई गई थी। पार्क की जमीन पर एक दरगाह और एक कब्रिस्तान को भी अवैध तरीके से बनाया गया। इन सभी अवैध निर्माणों को सुप्रीम कोर्ट ने गिराने का आदेश दिया। पाकिस्तान के न्यूज चैनल जियो टीवी के मुताबिक मस्जिद के प्रशासन ने एक याचिका दायर करके सुप्रीम कोर्ट के 28 दिसंबर के आदेश पर पुनर्विचार की मांग की थी। मस्जिद प्रशासन ने दलील दिया कि भाई जो जिला नगर निगम है उसने मस्जिद खाली कराने के लिए एक नोटिस जारी किया है, लेकिन डीएमसी ईस्ट के पास जमीन का मालिकाना हक नहीं है, इसलिए उसके पास इस तरह के नोटिस जारी करने का अधिकार नहीं है। इस पूरे मामले की सुनवाई जो है वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने ही की और उसमें 3 सदस्यीय वो पीठ थी। पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल ने जो है वो कोर्ट से अपील की है कि मामला धार्मिक तनाव को जन्म दे रहा है, इसलिए वो अपने फैसले की समीक्षा कर ले। इस पर जो सुप्रीम कोर्ट है उस पर सुप्रीम कोर्ट के जज ने कह दिया कि सिंध की सरकार मस्जिद के लिए कोई दूसरी जमीन दे सकती है। दरअसल लगातार अटॉर्नी जनरल की तरफ से यह कहा जा रहा था कि ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उसको पलट दे, उसे बदल दे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उनकी एक सुनने को राजी नहीं हुआ। यहां तक कि विस्तृत रिपोर्ट का भी हवाला दिया गया, सुप्रीम कोर्ट से कहा गया कि भाई उस पर आप पूरी रिपोर्ट पढ़ लीजिए तब कोई ऐसा फैसला दीजिए, लेकिन जो है राजी नहीं हुआ सुप्रीम कोर्ट और उसने तमाम याचिकाओं को खारिज कर दिया। दरअसल मस्जिद को गिराने के कोर्ट के आदेश को जो है वो जमीयत उलेमा इस्लाम फजल की तरफ से चुनौती दी गई थी। वहीं JUIF सिंध के जो महासचिव हैं उन्होंने पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश और सिंध के मुख्यमंत्री को चुनौती देते हुए कहा था कि जब तक हम जिंदा हैं किसी की जरूरत नहीं कि मस्जिद का एक ईंट भी गिरा दे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो अपना फैसला बरकरार रखा है। जो याचिकाएं दायर की गई थी दोबारा फैसले पर पुनर्विचार की उसे खारिज कर दिया है। अब देखना है कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट की आदेश का तामील किया जाता है या फिर इस पर भी कोई वहां नया बखेड़ा खड़ा हो जाता है। जो भी अपडेट होगा भारत तक सबसे पहले आपको बताएगा। देखते रहिए भारत तक।